पीछे लग गया है। जो है वो बेरे सर तुम मेरे दिमाग से वाकिफ नहीं हो। कहने का मतलब एक दिन की बात तुझे ध्यान है, साला मेरा कुछ नहीं कर सकता है। क्यों नहीं कर सकता? गाड़ी चपार पे एक दिन वो इंस्पेक्टर आया था मुझे गिरफ्तार करने के लिए, उसको तो गोली मैंने मारा था। अरे वो इसी ऊंची गली चौपार पे शाला दफन है, लेकिन कोई आज तक जान नहीं पाया। लेकिन पिताजी ये जो कल्पना उस अजीब का खून तूने किया है, मैंने किया है, लेकिन नटवर भी ये सब तेरे पिता की चाल है, समझता हो पिताजी। और 50 साल बाद आश्रम में आ, आश्रम वही एक कांटा लगा है बेटे, मौका पाते ही उससे भी साले को हम समाप्त करेंगे। अगर तेरे पास है पिताजी ये गोली की आवाज सुन रहे हो, लगता है डाकू की डकैती सोना क्या? तू जख्मी तेरे हाथ में गोली लगी और सोना तुम्हारी नजर मारी सर, मेरे माता-पिता का खून नटवर नहीं, मैंने अपने कानों से सुना है। ठाकुर ठाकुर उसका लड़का दुर्जय सिंह जी, दुर्जय यानी कि तुम्हारे माता पिता का खून नटवर ने नहीं बल्कि उसने किया, तुमने क्या जाना? मैंने अपने कानों से सुना है सर। सुना ये क्या कही? तुम्हारी बात सच है, इसका मतलब उन्होंने तुम्हारा पीछा किया, तुम्हें जब्त कर दिया। क्या क्या प्लान बना रहे थे वो, इसका मतलब वो हराम सादों ने साजिश रची और नटवर को फंसा दिया, खून खूब किया। सच करो सर, मेरे हाथों से बचेगा नहीं। लेकिन इससे पहले अशरफ मियां से मिलना बहुत जरूरी है, क्योंकि अशरफ मियां ऐसे है जिन्हें पता लग गवाही अगर अदालत में उसने दे दिया तो नटवर फंस जाएगा। इसका मतलब नेटवर्क की तलाशी हम लोगों पर बढ़ जाएगी, और जब बयान हो जाएगा अशरफ मियां के कातिल खुद नेटवर्क नहीं है, पुलिस उसे तलाशना छोड़ देगी। ऐसा पहले कि ठाकुर भूपेंद्र से कोई और कदम उठाए, सोना चलकर सबसे पहले अशरफ मियां में होना चाहिए। भैरव तुम्हें मालूम होना चाहिए, अरे साहब दल के जब से गया नहीं है, सब अच्छे पे बुरा है। देखिए सामने से वो नटवर आ रहा है। अरे वो पढ़ना पड़ा ईमान का बच रहा है मारा के। सरदार जी जय बाबू होनी, तुम्हें मालूम होना चाहिए सरदार जी, बोलो क्या आज मैं किस लिए डाकू बनी हूँ। जरूर सुनो मेरी बात, सुनाइएगा आपके साले को मालूम हो जाए कि मारने वाला अरविंद कल्पना का कौन है। सच है, भाग पे जाओ, मेरे बच्चों की मुझे बहुत याद आती है। या मेरे जिन बाबा, मैंने तुम्हारी 25 सालों से सेवा की है लेकिन कुछ भी नहीं मांगा, लेकिन आज मैं तुमसे दामन फैला करके मांग रहा हूँ, अगर मेरा बेटा कातिल नहीं है तो आज कातिल को मुझे दिखा दो। मेरे बाबा, मेरे बच्चों से मुझे मिला दो। मेरे बाबा, मुझे बहुत याद आती है। अगर असली कातिल को तुमने नहीं दिखाया तो आज तेरी चौखट पर अपने प्राणों को त्याग दूंगा। बाबा, और